प्रभास बनेंगे रावण। जस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास को रामायण फिल्म में रावण के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है और यदि प्रभास मान जाते हैं तो इसमें एक 600 करोड़ के बजट वाली भारत की सबसे महंगी फिल्म रामायण में आपको प्रभास रावण के किरदार में दिखेंगे, साथ ही ऋतिक रोशन राम के किरदार में और दीपिका पादुकोण सीता के किरदार में। और ये स्टार कास्ट फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी क्योंकि यहाँ रावण के किरदार में प्रभास होंगे, साथ ही प्रभास ही ऐसे एक्टर है जो कि रावण जैसे भयंकर किरदार को निभा सकते हैं। और जैसे कि साओ में भी हम प्रभास को आधे वक्त विलन के किरदार में देख चुके हैं, तो इसमें रामायण में भी प्रभास विलन का किरदार निभा सकते हैं। हालांकि यहाँ अभी तक फिल्म की तरफ से इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियली बताया नहीं गया है, लेकिन यह रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी फिल्म के स्टारों का खुलासा होने जा रहा है और फिल्म की शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ फिल्म का पहला पार्ट 2021 में देखने को मिलेगा। और मैं यह फिल्म की तरफ से भी बताया गया है कि रामायण फिल्म में आपको बॉलीवुड के साथ ही साउथ स्टार भी दिखेंगे, तो इसमें यह 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगी रामायण। और साथ ही 600 करोड़ के बजट के होने के कारण ये भारत की सबसे महंगी फिल्म बन गई है। तो फिलहाल तो यहाँ हमें काफी जबरदस्त खबर सुनने को मिली जिसके मुताबिक रामायण फिल्म में प्रभास को लेने की कोशिश है और इसमें यदि इस फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और प्रभास मिल जाते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि ये फिल्म इतिहास में अपना अलग ही नाम लिखवाएगी। और दोस्तों, आप रामायण फिल्म में राम और रावण के किरदार में किसे देखते हैं हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।